राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला शिशु जगत। शिशु जगत में आज सुनते हैं कार्यक्रम हाथी। जानते हो मैंने क्या देखा? क्या देखा? चार खंभों को चलते देखा, पंखे जैसे कान को देखा। दीदी आप ये क्या बोल रही हैं? हमारी कुछ समझ में नहीं आया। नहीं समझे? नहीं दीदी। वो है चार खंभों जैसे पैरों वाला बड़ा सा जानवर जिसके पंखे जैसे दो बड़े बड़े कान हैं, रस्सी जैसी दुम और जिसके आगे एक बड़ी सी सूंड है। बोलो क्या नाम है उसका? सूंड सूंड हाथी। शाबाश। हाथी की सबसे बड़ी पहचान उसकी सूंड है। सूंड ही उसकी नाक है, सूंड ही उसका हाथ है। वो कैसे? देखो, हाथी अपनी सूंड से छोटी से बड़ी चीज भी उठा सकता है। पेड़ के पत्ते तोड़ सकता है, फल तोड़कर खा सकता है, कुछ भी कर सकता है। क्या वो सांस भी सूंड से लेता है? हाँ, सूंड ही उसकी नाक है। हाथी सूंड से ही सांस लेता है। और एक मजेदार बात जानते हो, वो पानी भी सूंड से ही पीता है। अच्छा, इतने काम में आती है हाथी की सूंड? हाँ, और जानते हो, हाथी के मुंह से बाहर निकले हुए सफेद रंग के भाले जैसे दो दांत होते हैं। मुझे तो वो दांत सींग जैसे लगते हैं। अरे भाई, सींग तो सिर पर होते हैं। और हाथी के पांव बहुत मोटे मोटे होते हैं। हाँ, उसका पांव गोल गद्दीदार बहुत बड़ा और भारी होता है। अरे, किसी के ऊपर हाथी का पांव आ गया तो उसका तो कचूमर ही निकल जाएगा। सूंड ही तेरी नाक है हाथी, सूंड ही तेरा हाथ है हाथी, निकल कचूमर जाए उसका जिस पर रख दे पाँव हाथी। पर दीदी, हाथी की आंखें तो बहुत छोटी छोटी होती है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, हाथी की आंखें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन सिर बड़ा और भारी होता है। भारी भर कम सिर तेरा, आंखें छोटी छोटी तेरी, जिधर भी चाहे मुड़ जाती है सूंड लचीली हाथी तेरी। और पूंछ? पूंछ जैसे लटक रही हो सुतली, रगड़ रगड़ कर पेड़ हिलाते करते हो तुम जब भी खुजली। पर हाथी के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं और पंखे जैसे झूलते रहते हैं। पंखों जैसे कान झुलाता, धम धम हाथी बढ़ता जाता। दीदी, हाथी तो रोटी बहुत खाता होगा। अरे भाई, केवल रोटी से क्या होगा? हाथी महाराज को तो खाने के लिए ढेर सारे गन्ने और पत्ते चाहिए, और पके हुए केले या पका हुआ कटहल मिल जाए तो और अच्छा। इतना ज्यादा खाता है हाथी? और क्या, जानवर भी तो बड़ा है। वाह, बहुत समझदारी की बात की तुमने।
हाथी क्यों चिंगाड़ा? मांग रहा सिंगाड़ा। सिंगाड़ा? हाँ बच्चों, तालाब में उतरकर हाथी सिंगाड़े तोड़ तोड़ कर खाता है। हाथी के तो मजे हैं। अरे लगता है रामू दादा का हाथी इधर ही आ रहा है। आने दो हाथी महाराज को, उनके हाल चाल भी पूछ लेंगे। लीजिए दीदी, हाथी जी आ गए। हाथी जी, ओ हाथी जी, जंगल में कैसे है कटती जी, किससे खटपट किससे पटती जी। हाथी जी, ओ हाथी जी। अरे ये हाथी जी चिंगाड़ कर सूंड क्यों हिला रहे हैं? दीदी हाथी जी कह रहे हैं मैं अभी जवाब नहीं दूंगा। अच्छा। क्या जवाब लिखकर भेजेंगे? हमें मंजूर है। सुनिए हाथी जी, सूंड में कलम पकड़ लिख भेजो हमको पाती एक, अगर समझते हो तुम हमको अपना साथी एक। हाँ, लिख भेजो हमको पाती एक, अगर समझते हो तुम हमको अपना साथी एक। गोल मटोल सा प्यारा हाथी, कान हिलाता आता हाथी, मोटे पांव से चलता हाथी, कान हिलाता जाता हाथी। आँख से हाथी अपनी पूँछ हिलाता हाथी, लंबी सूंड उठाता हाथी, सूंड से केले खाता हाथी। धम धम करता आता हाथी, धम धम करता जाता हाथी, धम धम करता आता हाथी, धम धम करता जाता हाथी। गोल मटोल सा प्यारा हाथी, कान हिलाता आता हाथी, मोटे पांव से चलता हाथी, कान हिलाता जाता हाथी। देखे छोटी आँख से हाथी अपनी पूँछ हिलाता हाथी, लंबी सूंड उठाता हाथी, सूंड से केले खाता हाथी। धम धम करता आता हाथी, धम धम करता जाता हाथी, धम धम करता आता हाथी, धम धम करता जाता हाथी। हाथी, अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम। विषय संयोजन अमरेंद्र बेहरा, आलेख बालक राम नागर, ध्वन्यंकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा दाऊ दयाल चतुर्वेदी, तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।